हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका eSaral की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में। मैं हूं सारांश गुप्ता और आज हम जो है दो इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइज करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ये दोनों से मेजरमेंट कैसे करते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच क्या होता है, वो सब हम इसमें आज रिवाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं, घुमाने वाले भी आ जाते हैं इनसे, ठीक है। चलिए, इनका माइंड मैप भी हमने बनाया हुआ है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डाउनलोड करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इंपॉर्टेंट माइंड मैप है, फटाफट से सारे फॉर्मूलेज की कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, अब मैं आपको eSaral के बारे में बता देता हूँ। eSaral क्या है, जिसकी अभी फिजिक्स रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, eSaral एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पूरी अपनी JEE मेंस की, JEE एडवांस की, नीट की फाउंडेशन क्लासेस जो है, क्लास 10, क्लास 9, इनकी तैयारी कर सकते हैं। जबरदस्त तरीके से वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उनको कितनी बार भी देखें, कितनी स्पीड पे भी देखें, जबरदस्त विजुअलाइजेशन हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। जिन टीचर्स ने ये बनाया है, देखो एनके गुप्ता सर, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको पूरा पढ़ाने का। प्रतीक गुप्ता सर देखो, IIT बॉम्बे से प्रतीक गुप्ता सर, केमिस्ट्री जबरदस्त पढ़ाते हैं एकदम। और सारांश सर तो आपको अभी फिजिक्स का रिवीजन सीरीज करा ही रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, आपको जैसे आपने वीडियो लेक्चर देख लिए, अब आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, उसमें हर लेक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंगली होमवर्क होता है कि इस लेक्चर के बाद में ये सवाल करना है, ये सवाल करने हैं। फिर रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं 3 घंटे के, फिर रिव्यू टेस्ट होते हैं 1-1 घंटे के होते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, तो और रिव्यू टेस्ट 3-3 घंटे के होते हैं। फिर आपको रिजल्ट आता है, आपके पास पूरी मेंटरशिप होती है, आपको मेंटर्स अलॉट होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस देखते रहते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो आप eSaral ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाना, eSaral टाइप करना, ऐप मिलेगी, इंस्टॉल कर लेना, उसको ट्राई करके देखें। काफी सारा मटेरियल हमने फ्री भी डाल रखा है और जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसका एक ट्रायल पीरियड भी है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए, वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट करते हैं हम रिवाइज करना। तो देखिए, वर्नियर कैलिपर से बेसिकली अगर आपको लैब में जाने का मौका मिले और वर्नियर कैलिपर आप एक्चुअल में देख पाए ना, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है, जैसे हम एक स्केल से मेजर करते हैं तो एक मेन स्केल होता है, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। देखिए, जनरली इस ये जो हमने यहाँ पर दे रखा है, इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा मेन स्केल है, लेकिन इसका 1 मिलीमीटर मेन स्केल का लीस्ट काउंट, ठीक है। फिर नीचे एक वर्नियर स्केल भी होता है, एक दूसरा स्केल भी होता है जिससे हम ये 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग्स में नाप पाए, तो ये वर्नियर स्केल होता है। वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इस केस में देखिए, जो मेन स्केल का डिवीजन है, ये मेन स्केल का जो डिवीजन है ये 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। देखिए, ये पूरा यहां से लेकर हम ये यहां तक देखें तो ये 9 मिलीमीटर्स है। 9 मिलीमीटर्स में वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन आ रहे हैं पूरे के पूरे, तो 10 डिवीजन 9 मिलीमीटर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर हो गया। कैसे निकाला सर ये, 9/10 से, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना हो गया, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल का एक डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन होता है उनका डिफरेंस लीस्ट काउंट होता है, तो वो इस केस में हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। समझ में आई बात, 0.1 मिलीमीटर हो गया। देखिए, तो ये 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, ये 0.9 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट हो गया। इतना मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल से। कैसे मेजर कर सकते हैं वो देखते हैं, जरा विजुलाइज करते हैं उसको। तो ये ध्यान रखना, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालते हैं, मेन स्केल के कितने से वर्नियर के कितने कोइंसाइड कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये 9/10 से 0.9 मिलीमीटर आ गया 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इन दोनों का डिफरेंस लीस्ट काउंट हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, ये मेन स्केल हमने ले लिया, थोड़ा सा जूम्ड व्यू देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखो, ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। तो
अभी अगर हम इसको सरकाएंगे, देखो यहां पर कोई सी चीज मेजर कर रहे हैं, हम यहां पर कोई सी चीज इतनी सी चीज मेजर कर रहे हैं। देखो अभी अपन भाई ये इतनी सी चीज को मेजर करने के लिए 1 स्केल मूव करा, तो देखो इसमें क्या हुआ, 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर इज 0.1 मिलीमीटर। ये देखिए ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस हो गया, ये 0.2 मिलीमीटर का डिफरेंस हो गया, 0.3 मिलीमीटर हो गया और 0.4 मिलीमीटर हो गया। अब ये फोर्थ रीडिंग कौन साइड कर गई, इससे फोर्थ रीडिंग कौन साइड कर गई, तो देखो जो अभी हम मेजर कर रहे हैं वो 0.4 मिलीमीटर मेजर कर रहे हैं। इससे आप देखिए ये विजुलाइज हुआ कि 0.1 सरका, 0.2, 0.3, 0.4। देखो आपको पूरा समझना है ना, अगर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज आपको बिल्कुल ही नहीं आता ये, तो आप eSaral ऐप से इसके जो पूरे कंप्लीट लेक्चर है, एक लेक्चर हमने वर्नियर कैलिपर बनाया है पूरा लेक्चर, और एक लेक्चर स्क्रू गेज पे बनाया है, वो आप पूरे पूरे लेक्चर देख लें, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। अभी तो हम रिविजन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब जैसे ये मूवमेंट करा हमने, मान लो इतना ये यहां पर एक ये रॉड मेजर करनी है हमको, रॉड की लेंथ मेजर करनी है, तो वर्नियर स्केल इतना मूव हो गया, फोर्थ डिवीजन कौन साइड कर रहा है, तो रीडिंग कितनी होती है, रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन कॉइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। देखो देखो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, मेन स्केल की रीडिंग जीरो से देखे अगर अपन तो 0.6 मिलीमीटर के बाद में है, तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 6 मिलीमीटर। देखो ये 6 मिलीमीटर तक के बाद जीरो पहुंच गया, तो मेन स्केल ने रीड करा 6 मिलीमीटर, और इसका कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है, फोर्थ कॉइंसाइड कर रहा है, तो प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कितना था, ये लीस्ट काउंट कितना था इसका, 1 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग माइनस 10 कॉइंसाइड कर रहे थे 9 में 0.9, तो 0.1, तो लीस्ट काउंट है इसका 0.1 मिलीमीटर इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है, फोर्थ कॉइंसाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए 6.4 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम 1 मिलीमीटर के भी हमने बेसिकली 10 टुकड़े कर दिए, और इसलिए लीस्ट काउंट हो गया 0.1 मिलीमीटर, और ये फोर्थ टुकड़ा कॉइंसाइड कर रहा है देखो इससे मेन स्केल डिवीजन से, तो 6.4 मिलीमीटर। समझ गए, समझ गए सर, चलिए वेरी गुड। अब जरा इसमें अपन देखते हैं जीरो एरर, रीडिंग समझ में आ गई ना, रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल का डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का डिवीजन कौन सा कॉइंसाइड कर रहा है। अब जरा देखते हैं जीरो एरर क्या होता है, जब एरर आ रहा है देखो इंस्ट्रूमेंट में, इसमें देखो अभी कुछ नहीं रखा हुआ, जीरो से जीरो कॉइंसाइड करना चाहिए, लेकिन ये कुछ एरर वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एरर है, तो देखो ये जीरो एरर आ रहा है इसमें कि जीरो से जीरो से नहीं मिल रहा है, जब रीडिंग जीरो आनी चाहिए तो रीडिंग जीरो नहीं आ रही है, तो जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, इफ नथिंग इज प्लेस्ड एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है, तो जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर होता है। भाई पॉजिटिव रीडिंग बता रहा है जीरो के बदले, तो जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर होता है। जीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रीडिंग टू गेट द करेक्ट वैल्यू, जीरो एरर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं करेक्ट वैल्यू देखने के लिए। तो इसमें देखें भाई, इसका देखिए थर्ड डिवीजन कौन साइड कर रहा है, थर्ड डिवीजन कौन साइड कर रहा है इसका, ये तो इसका एरर कितना हो गया, जीरो प्लस, क्योंकि जीरो जीरो के आ गया है। रीडिंग कितनी आ रही है इसकी अभी एक्चुअली में, 0.1 इंटू 3 ये लीस्ट काउंट इंटू कौन सा वर्नियर स्केल कौन साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में इंटू 3, तो 0.3 मिलीमीटर का जीरो एरर है, मतलब जब रीडिंग जीरो आनी चाहिए थी तब ये स्केल रीडिंग 0.3 मिलीमीटर बता रहा है। तो अगर मान लो हमारी रीडिंग एक्चुअल मेजर करने के बाद 52.9 आई, एग्जांपल ले रहे हैं एक अपन, 52.9 मिलीमीटर रीडिंग आई, तो जो करेक्टेड रीडिंग होगी वो जीरो एरर माइनस करने के बाद आएगी। तो देखो 52.9 मेजर करने के बाद है, इस स्केल से मेजर करिए 52.9, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 0.3, तो एक्चुअल जो रीडिंग आ जाएगी, एक्चुअल जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 52.6। एक एग्जांपल लिया है हमने, ये 52.9 मेजर करके आई, जीरो एरर माइनस करा तो एक्चुअल रीडिंग आ गई 52.6। समझ गए, समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए ये नॉर्मल, ठीक है। जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव जीरो एरर जब रीडिंग पॉजिटिव आती है जीरो के बदले, ठीक है। दूसरा भी होता है सर, बिल्कुल होता है, नेगेटिव जीरो एरर होता है जिसमें जीरो लेफ्ट में होता है, वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में होता है, नेगेटिव रीडिंग आ रही है बेसिकली। इफ नथिंग इज प्लेस्ड इन जीरो वर्नियर स्केल टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर इज नेगेटिव, जीरो एरर सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं नेगेटिव वैल्यू को, सब्ट्रैक्ट करते हैं और, ठीक है। तो देखो इसमें अगर अपन काउंटिंग करें तो पीछे से देखो, ये स्केल पीछे सरका हुआ है एक्चुअली, तो पीछे से रीडिंग देखनी होती है, जैसे सेवेंथ डिवीजन कौन साइड कर रहा है, यहां से देखें तो सेवेंथ डिवीजन कौन साइड कर रहा है,
तो 10-7 पीछे से काउंट करना पड़ता है इसमें कि तीन रीडिंग पीछे से रख गया है। तो देखो तीन रीडिंग पीछे से रख गया है, तो इसका जो जीरो एरर आएगा, इसका जो जीरो एरर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, जैसे ये 10 है ये 7 है, तो 10-7 इतना तो ये सरका है, इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.3, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये नेगेटिव एरर है, तो -0.3 मिलीमीटर का नेगेटिव एरर है। तो अगर मानो रीडिंग 52.9 आती, मेजर्ड वैल्यू 52.9 आती पहले की जैसे इसी स्केल से नापते, माइनस जीरो एरर माइनस करते 0.3 मिलीमीटर आ जाती, तो ये हो जाती फिर 53.2 ये रीडिंग हो जाती इसकी। तो जीरो एरर माइनस ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके ये वैल्यू आ गई, करेक्ट वैल्यू। ठीक है, समझ गए, समझ गए सर। तो ये हमने वर्नियर कैलिपर रिवाइज कर लिया। अब जरा अपन रिवाइज करते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज कैसा होता है? स्क्रू गेज कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसको भी आप लैब में एक बार जाके प्रैक्टिस कर लेना जरूर से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं और इसकी हमें थिकनेस मेजर करनी है, ये लेंथ मेजर करनी है बेसिकली, ये वाली लेंथ मेजर करनी है हमको, ठीक है। तो कैसा ये ऐसा स्केल होता है, ये मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल होता है, ये सर्कुलर स्केल इसमें घूमता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे काम करता है, ये पिच देखते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है कि पिच क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस होता है, जो दो थ्रेड होते हैं ना उनके बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब कितना डिस्टेंस मूव करेगा जब ये सर्कुलर स्केल पूरा एक घूम जाएगा। पिच क्या होता है कि सर्कुलर स्केल जितना एक घूम जाएगा ना, पूरा घूम जाएगा, और जितना ये सरकेगा सर्कुलर स्केल पीछे, वो पिच होता है। तो देखो इसमें अगर अपन देखें तो ये घुमा 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 पूरा एक घूम कर, देखो इसने एक मिलीमीटर पीछे से रख गया, ये एक मिलीमीटर पीछे से रख गया, तो पिच कितना हो गया, एक मिलीमीटर हो गया इस केस में पिच, एक पूरा घूमने के बाद में कितना सर्कुलर स्केल पीछे सरका, तो वो पिच हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई लीस्ट काउंट कितना होता है, लीस्ट काउंट होता है इट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कि भैया इसका पिच कितना है और सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने हैं। तो देखो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, इस केस में जो पिच आ रहा है वो आ रहा है ये 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर पीछे से रख रहा है, पिच 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, 100 डिवीजन है, देखो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, मतलब ये जो स्क्रू गेज है ये 0.01 मिलीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर सकता है, कि थिकनेस मेजर कर सकता है, मतलब इफेक्टिवली हमने इस 1 मिलीमीटर को 100 भागों में बांट दिया, तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो गया, लीस्ट काउंट हो गया ये, समझ गए सर। चलो वेरी गुड, नाउ रीडिंग देखते हैं कैसे लेते हैं। देखो आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली बच्चों को क्या विजुलाइज नहीं होता है, आप eSaral ऐप डाउनलोड करके स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का लेक्चर देख लेंगे, गारंटी है कि आपको समझ में नहीं आया, तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, विजुलाइज हो जाएगा, गारंटीड है ये, तो इतने प्यारे तरीके से पूरा एनिमेट करके एक एक चीज को समझाया विजुलाइज करके, जरूर से देख लेना पूरे पूरे लेक्चर, जिसके इसके सवाल आते हैं ना फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं वो, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो इनका, ठीक है। चलिए तो अब जरा देखते हैं इसकी रीडिंग कितनी होती है भैया। जैसे देखो ये एक रीडिंग, ये जूम करके हमने एक पार्ट ले लिया, ये मेन स्केल ये सर्कुलर स्केल, तो रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की काउंटिंग, तो ये मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की काउंटिंग। मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 MSD, कितने का है मेन स्केल डिवीजन इंटू उसकी रीडिंग, और सर्कुलर स्केल कैसे निकालते हैं, सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइडिंग इस लाइन के साथ में जो डिवीजन कोइंसाइड करता है इंटू लीस्ट काउंट। तो देखिए इस केस में ये जो है 65th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मानो 65th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है पहले वो देखते हैं, 20 तक तो आ रही है, 1, 2, 3, 4, 24, तो 24 इंटू जो पिच, जो इसका जो ये मेन स्केल की जो डिवीजन है, पिच नहीं, जो मेन स्केल की जो डिवीजन है वो है 1 मिलीमीटर की, तो ये तो 24 मिलीमीटर तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई, प्लस सर्कुलर स्केल 65 घूम चुका है, तो 65 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, तो ये आ जाती है 0.65,
दैट इज इक्वल टू 24.65 मिलीमीटर तक की रीडिंग हमने निकाल ली बेसिकली। तो ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है इस केस में वो 24.65 मिलीमीटर कर रहा है। देखिए एक मिलीमीटर को, हर एक मिलीमीटर को 100 भागों में बांट देता है ये सर्कुलर स्केल। तो देखिए 0.65 65th डिवीजन कौन साइड कर रहा था इसलिए 0.65 आ गया। फील भी आई थोड़ी सी सर? बिल्कुल आ गई फील, थोड़ी सी क्या पूरी आ गई फील। ठीक है तो देखो 24.65 मिलीमीटर हो गया। नाउ इसमें भी एरर होते हैं क्या? सर बिल्कुल होते हैं एरर। तो सबसे पहले अगर अपन देखें जीरो एरर, तो देखो जैसे ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए स्क्रू गेज में, जीरो दिखना नहीं चाहिए, जीरो से जीरो कौन सा साइड हो गया, जीरो दिखना नहीं चाहिए। लेकिन अगर जीरो दिख रहा है और स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल की कोई सी रीडिंग जीरो के अलावा कौन साइड कर रही है तो ये जीरो एरर होता है। और पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है? इफ नथिंग इज प्लेस्ड एंड जीरो सर्कुलर स्केल इज बिलो द लाइन ऑफ मेन स्केल। अगर इसका जीरो नीचे है मेन स्केल की लाइन के, मतलब कुछ रीडिंग ये शो कर रहा है, पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है ये, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो जाता है। जब जीरो दिखाना चाहिए था इसको तब ये कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है। करेक्टेड वैल्यू कैसे होती है? रीडिंग में से जीरो एरर माइनस कर देते हैं। ठीक है देखो, और कैसे पता करते हैं? जब ये जीरो मेन स्केल की लाइन के नीचे होता है तब। ठीक है तो इस केस में जूम करके देखते हैं जीरो एरर को जरा अपन। तो देखो ये जीरो नीचे है, ये जीरो नीचे है। अब जीरो एरर कितने का है देखें जरा, थर्ड डिवीजन कौन साइड कर रहा है? तो जीरो एरर हो गया, जो रीडिंग आ रही है जीरो मेन स्केल की जीरो आ रही है, प्लस 3 × 0.01 मतलब 0.03 मिलीमीटर का जीरो एरर है। जो रीडिंग आ रही है ना कितनी आ रही है, मेन स्केल की रीडिंग तो जीरो आ रही है और सर्कुलर स्केल की कितनी आ रही है 0.03 मिलीमीटर, तो 0.03 मिलीमीटर का जीरो एरर हो गया। अच्छा जीरो एरर माइनस कर देते हैं। तो सपोज करो हमने रीडिंग ली 62.53 मिलीमीटर, एक रैंडम वैल्यू ले ली किसी चीज को हमने मेजर करी, 62.53 मिलीमीटर उसकी रीडिंग आ रही है, तो उसकी जो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी वो दिस माइनस जीरो एरर, तो वो आ जाएगी 62.50 मिलीमीटर। तो जीरो एरर सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे वनडेयर में होता है इसमें बिल्कुल वैसे होता है। ठीक है चलिए भाई बहुत बढ़िया, अब जरा नेगेटिव जीरो एरर भी देख लेते हैं। नेगेटिव जीरो एरर कैसे होता है? देखिए ये नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है, इसमें जीरो छुप गया और ये नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है, ये जीरो ऊपर चल गया तो नेगेटिव जीरो एरर तब आता है। नथिंग इज प्लेस्ड एंड जीरो सर्कुलर स्केल इज अबव द जीरो ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर इज नेगेटिव। जीरो छुप गया और जीरो ऊपर है तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है वही माइनस जीरो एरर। तो देखो ये रीडिंग 95th डिवीजन कौनसाइड कर रहा है मानो, तो ये उल्टा घूमा है तो वही पीछे से रीडिंग लेते हैं। अब ये रीडिंग 95 नहीं आएगी, 100 - 95 आएगी, तो 100 - 95 इज 5 इंटू लीस्ट काउंट 0.01। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, इतना नेगेटिव एरर आ गया है, इतना नेगेटिव एरर आ गया है, तो 5 डिवीजन का नेगेटिव एरर है, तो 0.05 मिलीमीटर माइनस साइन के साथ में, तो -0.05 मिलीमीटर का नेगेटिव एरर है। तो इसको भी माइनस कर लेंगे तो मान लो 62.85 मिलीमीटर रीडिंग आई, 62.85 रीडिंग आई, तो करेक्ट वैल्यू क्या होगी? 62.85 -0.05 दैट इज 62.90, ये करेक्टेड रीडिंग हो गई। समझ गए? तो देखो क्या क्या रिवाइज कर लिया हमने, वर्नियर कैलिपर पूरा रिवाइज कर लिया, स्क्रू गेज हमने पूरा रिवाइज कर लिया। आपको अगर इन चैप्टर्स में, ये इस पार्ट में वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में प्रॉब्लम आ रही है ना, आप eSaral ऐप अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाएं, eSaral टाइप करें, ऐप डाउनलोड करो, वर्नियर स्क्रू गेज पूरे पूरे लेक्चर देख लें आप, उसमें मजा आ जाएगा एकदम। और आपको प्ले स्टोर पे जाने में आलस आ रहे हैं तो हमने लिंक भी दे रखी है ऐप तक सीधे पहुंचने की, eSaral.com/app डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक है, डायरेक्टली क्लिक कीजिए और प्ले स्टोर में पहुंच जाइए। eSaral.com eSaral है तो eSaral.com है, eSaral.com/app/app। ठीक है ऑल द बेस्ट, और eSaral का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।